हेलो दोस्तों, वेलकम टू सभी समाधान टैक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर ऐप के बारे में। जैसे कि आप सभी को व्हाट्सएप की तरफ से ये वाली मैसेज तो मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो मिल जाएगा। इसमें व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी और पॉलिसी में काफ़ी बदलाव किया है। इसमें बताया गया है कि यदि आप व्हाट्सएप यूज करेंगे तो आपका डाटा फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी दूसरी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाएगा, जिसके लिए आपको नई प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करना ही होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप डिलीट कर दिया जाएगा, जिसको लेकर सभी व्हाट्सएप यूजर को अपनी प्राइवेसी को लेकर काफ़ी चिंता सता रही है। तो आज की इस वीडियो में जिस सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर ऐप के बारे में हम बताने वाले हैं, ये व्हाट्सएप जैसे ही काम करते हैं, साथ ही व्हाट्सएप से भी ज़्यादा फीचर इसमें देखने के लिए मिलता है और दुनिया की सबसे सिक्योर ऐप माना जाता है। तो किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और फर्स्ट बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटा दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप भी अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उसे यूज करना होगा। तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इजीली उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं सिग्नल। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको सिग्नल लिख के सर्च करना है तो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर, तो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए इसको हम यहां से इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.5 का रेटिंग मिला हुआ है और दुनिया की सबसे सिक्योर ऐप इसे माना जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, तो चलिए हम यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया है। चलिए हम इसे यहाँ से ओपन करते हैं। तो इस तरह से आपको ओपन करना है। बेसिक ये जो है व्हाट्सअप जैसा ही हर तरह से ये काम करते हैं, और व्हाट्सअप से ज़्यादा फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह के देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको एलो और परमिशन दे देना है, जो भी एलो मांगेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर डालना है, जिस तरह से आप व्हाट्सअप को लॉगिन करते हैं इंस्टॉल करने के बाद, उसी तरह से सेम प्रोसेस है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर आपका नंबर यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ से उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जो कि अपने आप कनेक्ट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं, और या बड़ी आसानी से लॉग इन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को ओटीपी आ गया है और कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ से नेम जो है, जैसे व्हाट्सअप में अपना नेम आप जो भी नेम रखना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ से अपना नेम जो है डाल देना है। उसके बाद यदि आप चाहें तो यहाँ से प्रोफाइल अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करके पिक कर सकते हैं, या फिर अपने गैलरी से चूज कर सकते हैं। तो चलिए ये डेमो के लिए हम बता रहे हैं, तो यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 डिजिट का पिन लगाने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पिन लगा लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर लगा लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिर कन्फर्म करते हैं, फिर से वही पिन डालते हैं यहाँ पर, फिर नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे यूज डिफॉल्ट एसएमएस ऐप वाले ऑप्शन आपको सबसे पहले ऊपर में देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। यदि आप इसे यहाँ से अलो कर देते हैं तो आपके मोबाइल में जितने भी एसएमएस होंगे वो सारे एसएमएस को आप यहीं से रीड कर सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से फिलहाल अभी कट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आप क्लिक करके किसी भी चीज़ का फोटो लेकर के किसी भी फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप नंबर और नेम से किसी भी फ्रेंड को सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको न्यू ग्रुप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से भी आप ग्रुप बना सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर होंगे और उसमें से जो भी इस ऐप को यूज करता होगा उस सभी का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप इनवाइट फ्रेंड को भी कर सकते हैं। यहाँ पे जिस भी फ्रेंड से आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में सबसे पहले आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। साथ ही बगल में आपको इमोजी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे भी आपको हजारों इमोजी मिल जाएगा, जहाँ से आप इमोजी भेज सकते हैं और साथ ही साथ स्टिकर भेज सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आप डायरेक्ट किसी भी चीज़ का फोटो लेकर के आप सेंड कर सकते हैं। उसके बगल में यहाँ पे आपको वॉइस मैसेज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से कि आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। उसके बगल में आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आप क्लिक करके
करने के बाद आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप गैलरी से ऑडियो वीडियो फोटो भी आप सेंड कर सकते हैं। साथ ही बगल में आपको जीएप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी फ्रेंड का जीएप भेज सकते हैं। और बगल में आपको यहाँ पे स्टिकर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से आप क्लिक करके किसी भी फ्रेंड को किसी भी तरह का स्टिकर भेज सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी फ्रेंड को किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट का जो है फाइल जो है आप भेज सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी फ्रेंड को किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट जो है आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करके आप किसी को भी अपना लोकेशन सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में वीडियो कॉलिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। उसके बगल में आपको यहाँ पे ऑडियो कॉलिंग करने का सिस्टम मिल जाता है, जहाँ से कि आप ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से बैक आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने पूरे फाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको SMS एंड MMS का सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपेरेंसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको चार्ट एंड मीडिया का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको लिंक डिवाइस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको हेल्प का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और उसके नीचे यहाँ पर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको यूज करना ही चाहिए। यदि आप सभी का कमेंट रहा तो इस पे हम एक डेडिकेट वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे जो कौन सा सेटिंग किस तरह से काम करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको हम बताएंगे। यदि पूरी सेटिंग के बारे में इस वीडियो में बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी सेटिंग के बारे में बता देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।